This is my KTM 83390, fully trip ready. My wife and me. Hello guys, good morning. Welcome back to the channel. Hope you're doing absolutely fine. तो आज बहुत दिनों के बाद एक राइड हो रहा है. राइड का प्लान है, आइटनरी है एक्चुअली गैंगटॉक. सो पहले गैंगटॉक जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है. एक्चुअली काफ़ी लेट हो चुके हैं और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं. अभी फटाफट निकलते हैं, चलो. और बड़बा लड़का लड़का लोग कॉल कर रहे हैं. सो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मैंने 83390 खरीदा है रिसेंटली, और बाकी कहानी ऑन द गो जाते जाते बताऊंगा. सो बार बार कॉल आ रहा है, तो चलो मिलते हैं रास्ते पे. सो देखते ही देखते हम लोग ऑलमोस्ट सेवक पहुंच गए हैं. एंड बॉय ओ बॉय, ये 83390 चलाने में क्या मज़ा आ रहा है. व्हाट एन ऑसम राइड इट वॉज, व्हाट एन ईज़ टू राइड दिस बीस्ट. OMG, दिस इज़ रियली वंडरफुल मशीन. सो दोस्तों, हम लोग अभी पहुंच गए हैं सेवक के टेढ़े मेढ़े पहाड़ियों में, और अभी तक 3 बाइक हैं. और इधर बंदर कितने खूबसूरत तरीके से बैठे हुए हैं. सो मेरे बाइक में मैं हूँ, मेरा वाइफ है, और सामने है जिक्सर, उसमें है पार्थ एंड शिवू. एंड वो सामने है एमटी में है पिकू. सो अभी तक हम लोग 5 मेंबर जा रहे हैं, और 2 मेंबर शायद हम लोगों के साथ ऐड होने वाला है, शिवू का कोई दोस्त. तो देखते हैं उन लोगों से कब मीटअप होता है. एंड वो रहा कॉरोनेशन ब्रिज, यहाँ से दिख रहा है. एंड वॉज दिस इज द कंसोल जिसके लिए मैंने 4 साल वेट किया. यार 2019 का सपना था ये बाइक खरीदने का. 2019 में या 20 में आया था ये बाइक, तब का सपना था ये बाइक लेने का. आज यार 2024 में जाके मैंने ये बाइक लिया. सो यार बहुत खुशी हो रहा है. एंड उसके साथ इस बाइक में जितना चला रहा हूँ ना, इतना मज़ा आ रहा है यार, वर्थ इट. एंड दिस इज कोरोनेशन ब्रिज. मेरा लास्ट वीडियो आया था शायद दिसंबर में, एंड उसके बाद मैंने मार्च में भी एक राइड किया था, उसका वीडियो भी है, लेकिन वो वीडियो मैंने अब तक नहीं डाला है. एंड ये कोरोनेशन ब्रिज हम लोग पहुंच गए, अभी यहाँ से राइड लेना है. तो राइड लेते हैं. एंड या लास्ट कुछ महीने में ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गया है. जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मेरे पास RS 200 था, एंड मेरे पास एक फेजर भी हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली मैंने सब बेच दिया एंड ये ख़रीद लिया 83390. एंड रिसेंटली मैंने शादी भी कर लिया फेब्रवरी में. सो सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपने में हूँ. मुझे अभी विश्वास नहीं होता है कि मेरा शादी हो चुका है, मैं सिंगल नहीं हूँ. सो लाइफ जैसे एक सपना बन गया है. ये जो बीस था ना KTM 390, ये मेरा बहुत पुराना सपना है, ऑलमोस्ट 4-5 साल पुराना सपना है. तो फाइनली 2024 में जाके ये मेरा सपना पूरा हुआ. इसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ. भगवान ऐसे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना. ओहो भाई साहब, क्या बाइक है यार, क्या पावर है, क्या पुल करता है. व्हाट एन ईज़ टू राइड दिस मशीन मैन, सच में चुम्मेश्वरी. और क्या लीन होता है भाई. ओ गॉड, अगर ये मेरे पास नहीं होता ना तो मेरे को कभी भी पता नहीं चलता. मैं हिमालयन भी चला चुका हूँ, लेकिन हिमालयन का एक अलग स्वैग है, और इसका स्वैग तो भाई टोटली डिफरेंट लेवल का है. मज़ा आ गया मुझे यार, मज़ा आ गया. एंड लुक एट द व्यू मैन, दिस रोड इज़ ऑलवेज फेमस फॉर ब्यूटीफुल व्यू. वो फ्लड में थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रॉय हो गया है, बट बहुत खूबसूरत है. जस्ट हैव अ लुक दिस साइट, देखो कितना मोटा बालू का लेयर जम गया है. ये फ्लड के टाइम पे ये बालू सब जमा हुआ था, और रोड कहाँ तक ख़त्म हो गया था. इसका कंस्ट्रक्शन फिर से चालू हो गया है. और धूल देखो भैया, काहे धूल उड़ाते हो भैया,
फ्रीका पाउडर, फ्रीका पाउडर चाहिए किसी को तो आ जाओ यहाँ पे। गॉड सफेद बंदर बना दिया। ये सामने से दिख रहा है वो तीस्ता सेतु और उसी के नीचे है तीस्ता बाजार, मतलब वो आसपास का एरिया। सो यहाँ से अगर आप राइट टर्न ले ले तो आप पहुँच जाते हो तीस्ता बाजार, जो कि यहाँ से जाता है लामाहट्टा, उसके बाद आपका त्रिवेणी बोल के जो व्यू पॉइंट था वो, लेकिन त्रिवेणी तो अभी ख़त्म है। लेकिन लामाहट्टा जाना है तो आप वो तीस्ता बाजार का नीचे वाला रोड पकड़ के जा सकते हो, और अगर गैंगटॉक सिक्किम जाना है तो ये ऊपर वाला रोड। सो हम लोग अभी तीस्ता ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, नीचे रहा तीस्ता बाजार, पानसुई रिज गैंगटॉक, फिर देखना पड़ेगा कि क्या करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे गाड़ी का फुल डॉक्यूमेंट अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि मैं इस सिक्किम जा पाऊँगा इसको लेके। एक बार गैंगटॉक पहुँचे नहीं तो वहाँ पे जाके मेरा गाड़ी छोड़ के कोई हिमालयन रेंट पे लेके मैं जा सकता हूँ, मैं और मेरा वाइफ। सो चलो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, आगे आगे होता है क्या। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 30 के ऊपर है टेम्परेचर अभी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 30 के ऊपर ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। एंड आज तो हेलमेट का फाइजर भी मेरे से बंद नहीं हो रहा है क्योंकि इतना गर्मी है, इसीलिए मैं सन वाइजर डाउन करके जो क्लियर वाइजर है उसको ऊपर उठा के मैं बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि भाई इतना गर्मी हो रहा है ना क्या बताऊँ। एंड इसका जो विंडस्क्रीन का जो एक्सटेंडर है वो मैंने सबसे लो पे सेट किया है अभी, क्योंकि और ज़्यादा करूँगा तो थोड़ा सा भी हवा नहीं लगेगा सर पे तो बहुत भी ज़्यादा गर्मी होता है, लेकिन ये आई थिंक व्लॉगिंग के लिए सही रहेगा कि हेलमेट के अंदर कोई भी नॉइस नहीं आएगा हवा का। सो एक बार फुटेज चेक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ऑडियो कैसा आ रहा है, आई थिंक कि विंड नॉइस नहीं आएगा, तो आएगा भी तो बहुत कम ही आएगा। ये जो मेरे सामने है आप लोग देख पा रहे हैं ये है मेल्ली ब्रिज, अगर आपको साउथ सिक्किम जाना है तो इस ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो सामने जाके एक राइट टर्न है, वहाँ से ऊपर चढ़ के इस ब्रिज पे चढ़ के आपको साउथ सिक्किम जाना पड़ेगा। सो अगर मैं इस सिक्किम हो नहीं पाया तो मैं शायद साउथ सिक्किम जा सकता हूँ, तो यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ता है मेल्ली ब्रिज से जाने के लिए साउथ सिक्किम। ओ भाई क्या कर रहा है तू, क्या ऑसम व्यू है मैन, क्या फ्रेम है, वाओ व्हाट अ नाइस व्यू मैन, मजा आ गया। गैंगटॉक मोर 43 किलोमीटर रूट, ओ गॉड एकदम चुम्मेश्वरी। विंड नॉइस आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वाइजर खुला था। एंड ये देखो फ्रेश फ्रेश पत्ते पेड़ पे, और वो देखो पहाड़ के ऊपर कितने सारे पेड़, ओ माय गॉड। पीकू को देखो क्या मस्त भगा रहा है, वाओ मैन जस्ट हैव अ लुक, जस्ट लुक, ऐसे 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 रास्ता जा रहा है। पहले ना ये जो पानी है ये ग्रीन हुआ करता था तो ये ना और ज़्यादा खूबसूरत लगता था, लेकिन अभी पता नहीं पूरा पानी गंदा हो चुका है। बट मैन रोड का क्या व्यू आ रहा है, ऑसम। ये देखो ऊपर पत्थर कैसे निकला हुआ है, ऑसम मैन। दिल पूरा खुश हो गया रोंगपो। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में रोंगपो पहुंचने वाले हैं, चलो भैया चलो भैया। अरे मेरा गाड़ी कौन लेके आया। एंड ये सामने हम लोग पहुंच चुके हैं रोंगपो ब्रिज पे, जो कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन हम लोगों को किधर से जाना है आई डोंट नो।
क्या खूबसूरत लग रहा है यार ये ब्रिज। ये ब्रिज जब बन रहा था, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, मैं यहाँ पे आके वॉक कर रहा था और वीडियो बनाया था। एंड आई थिंक इस ब्रिज की वजह से रोंगपो जो है वो स्किप हो गया। एंड क्या मस्त ब्रिज बनाया है यार सच में, चुम्मेश्वरी। ओह गॉड क्या ब्यूटीफुल फ्रेम है, ब्यूटीफुल यार, ये वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता है, इतना ब्यूटीफुल है। तो हम लोग अभी रुके हैं ओएसिस कैफे के सामने और यहाँ से गैंगटॉक सिर्फ 36 किलोमीटर है, लेकिन गर्मी ने यार बैंड बजा दिया है। थोड़ा रुके हैं पानी पानी पीने के लिए और बाकी चार मेंबर हैं वो पीछे हैं, वो आ रहे हैं। एंड यार ये कैफे यहाँ पे बहुत मस्त है लेकिन थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। सो फार सो गुड, बाइक परफॉर्मिंग एकदम चुम्मा। ठीक हो, what is your experience till now? Awesome, but bike problem दे रहा है। क्या हो रहा है? Ball racing का। Ball racing में आ रहे हैं, वो कोई problem नहीं है। And आपका क्या? मतलब अभी तक का experience है? अच्छा है। अच्छा है? Bike comfortable है? हाँ। मजेदार है? मजेदार है। मुझे तो बहुत। हाँ? कितने मजेदार है? क्या मजेदार है? नहीं ट्रिप तो मज़ेदार होगा थोड़ी देर बाद जब ठंड शुरू होगा, लेकिन अभी तो गर्मी चल रहा है। मुझे तो यार ये 20 चरण में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे जो चाहिए एक्चुअली इसमें सब कुछ है। क्या पावर है, क्या कंफर्ट है, एंड ओह माय गॉड क्या टेक है। एंड वो भी बोल रहे हैं कि उसको भी पिलियन सीट पर मज़ा आ रहा है, तो चलो इट्स अ वर्थी परचेस ऑफ 2024। First tunnel of the day. Oh, this is the second tunnel of the day. Oh, bhai saab, kya khoobsurat lag raha hai. Pura andhera andhera. Console pe bhi raat ho gaya. Ye tunnel pehle kya tha? Kya nahi tha? Yaad nahi aa raha hai, bhaiya. कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज थोड़ी देर के लिए। द ऑल न्यू हैरियर, येलो कलर्ड हैरियर, मस्त लग रहा है पीछे से। ये कलर मैं फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देख रहा हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा भैया टाटा ने क्या गाड़ी बनाया है। बाकी गाड़ी क्या है, जिनका गाड़ी है वही बता सकता है, पर हमें तो ये एस्थेटिक्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो गैंगटॉक से अभी हम 16 किलोमीटर दूर है और पता नहीं मेन रोड से क्यों पुलिस ने हम लोगों को डाइवर्ट कर दिया है, खाली हम लोग नहीं सबको ही। सो हम लोग ऑलमोस्ट गैंगटॉक पहुंचने वाला है, 9 से 10 किलोमीटर बाकी है। और इससे पहले जो जाम स्टार्ट हुआ है ना, क्या बताओ, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया दिखाने के लिए तो अभी थोड़ा खुल गया है। बट गैंगटॉक एंटर करने से ठीक 8-10 किलोमीटर पहले से ये जो जाम शुरू होता है बहुत भयंकर वाला जाम होता है, ये पहले भी होता था अभी भी होता है। पिछले 10 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ द ट्रैफिक। और ये आज का नहीं है, हर रोज का ऐसा ही रहता है। So guys, we have reached Gangtok
एंड अभी मैं होटल रूम पे बैठा हूँ, थोड़ा चाय वाय पिया, फ्रेश हुआ एंड दिस इज आवर रूम, दिस इज आवर रूम फॉर टुडे एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम. ये जो है सामने यही है MG मार्क, जहाँ पे ये तिरंगा लहरा रहा है. सो बिल्कुल सामने ही है MG मार्क. तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग अभी बैठेंगे रेडी शेडी होके फिर MG मार्क पे जाना है.